चंदौली में दिव्यांगों के लिए उपकरण वितरण करने तथा आरोबी का शिलान्यास करने पहुँचे सांसद व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने अयोध्या राम मंदिर मुद्दे पर दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा, दीपावली पर मिलेगी बड़ी खुशखबरी, आप लोग इंतजार कीजिए। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले साल दीपावली पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री राम का राज्याभिषेक कर दीपावली मनाई थी, इसी तरह इस बार भी कोई बड़ी खुशखबरी दी जाएगी। चंदौली से पीबीसी रिपोर्टर आशुतोष तिवारी की ये रिपोर्ट। बंद है, आने वाले समय में आप हर समय भाजपा इसके पक्ष में। अध्यक्ष जी जो है कांग्रेस के मुखिया महाकालेश्वर की शरण में गए हैं, पिता बनी रहे, केंद्र सरकार ने उसके लिए कदम उठाए हैं और जब जरूरत होगी और भी कदम उठाएगी। देश की हमारी केंद्र सरकार का सीबीआई की दृढ़ता बनाए रखने के लिए वो कदम स्वागत योग्य है। ज्योतिरादित्य ने कहा है कि सीबीआई, जब हम सीबीआई के खिलाफ कांग्रेस एक्शन लेती थी, कि ज्योतिरादित्य और दिग्विजय की जो आपस की बढ़िया लड़ाई हुई है उसको संभालें, बात की बाद में देखिए। हमारी जो राष्ट्रवादी विचारधारा है ये उसी का प्रतिफल है कि देश के बहुत से लोग जो पहले रोजा इफ्तार की टोपियां बदलते नहीं थकते थे, वे आज मंदिरों में जा रहे हैं, जनेऊ पहन रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कम्युनिस्ट लोग भी माँ काली पूजा कर रहे हैं, यहाँ तक कि ममता भी दुर्गा पूजा पंडालों को पैसा दे रही हैं। ये सब हमारी विचारधारा की प्रभाव का ही फल है कि अब सबको हिंदू और भारत के धर्म विचार का महत्व समझ में आने लगा है। विपक्षी सीबीआई के मुद्दे केंद्र है और विकास की लंबी कड़ियां हैं। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की तरफ क्रिया प्रतिक्रिया जाति पाति गुट गिरोह की राजनीति नहीं करती है, विकास की राजनीति करती है। और विकास विकास सबका विकास, इस पर भाजपा आज चुनाव में है और चुनाव में आएगी, शानदार मतों से चुनाव जीतेगी। आपको चंदौली में जो विकास दिखलाई पड़ रहा है वही प्रदेश में वही देश में। राहुल गांधी कह रहे हैं कांग्रेस मंदिर मुद्दे पर साथ है, कानून बनेगा क्या? राहुल गांधी संसद में अपना प्रस्ताव लेके आएंगे तो उनका मैं स्वागत करूंगा। पहले संसद में तो आए, अखबार में आ चुके, संसद में आए, दुविधा से ऊपर वोट के आदेश।